नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। झूठे आंकड़े पेश करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकते चीन और पाकिस्तान पर ट्रंप की निगाह टेढ़ी हो चुकी है। यदि एक हफ्ते के भीतर इन देशों ने अमेरिका से अपने नागरिक वापस नहीं बुलाए तो इन पर अमेरिका ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। केवल इतना ही नहीं, 31 दिसंबर 2020 तक इन देशों के वीजा पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी पाकिस्तानी और चीनी नागरिक अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही अमेरिका में बिना वजह के रह रहे इन देशों के नागरिकों को सीधे अमेरिकी जेलों में डाल दिया जाएगा। इस वक्त चीन और पाकिस्तान के ऐसे नागरिकों की संख्या सर्वाधिक है जो वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रह रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के ऐसे 22,000 से ज्यादा नागरिक हैं जिनमें अधिकांश कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, मगर पाकिस्तान यहां भी वही चाल खेल रहा है जो उसने वुहान में खेली थी। अमेरिका में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों की गुहार पर भी वे उन्हें स्वदेश लाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में इस वायरस के तेजी से प्रसार को देखते हुए उसने 21 अप्रैल तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन को रोक दिया है। प्रतिबंधों के तहत चार्टर्ड और निजी उड़ानें भी बंद कर दी गई है। पाकिस्तान ने लगभग 1681 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द की है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं। जिन देशों में पाकिस्तानी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरब और इटली है। इन देशों में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया हुआ है, मगर पाकिस्तान किसी भी देश से अपने नागरिकों को वापस लाने को तैयार नहीं है। दरअसल इसके पीछे भी पाकिस्तान चालबाजी से काम कर रहा है। उसे लगता है कि इन पाकिस्तानियों के देश में आने से जहां संक्रमण के मामलों में इजाफा होगा, वही पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के नहीं होने से वे उनका इलाज करने की हालत में नहीं है। अभी तक उसकी यह चालबाजी काम भी कर रही थी। इसी रणनीति के तहत उसने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने का हवाला देकर मामले से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, पर पहली बार उस पर अमरीका का डंडा चल गया है। अमरीका सबसे ज्यादा चीन और पाकिस्तानी नागरिकों से परेशान है। यहाँ चीनी नागरिकों की संख्या 4,30,000 है। यह चीनी अमेरिका के 17 राज्यों में चीन से करीब 1300 सीधी उड़ानों के जरिए पहुंचे थे। इनमें कई यात्री ऐसे भी थे जो ट्रंप द्वारा यात्रा प्रतिबंध से पहले वुहान से सीधे अमेरिका आए थे। माना जाता है इन्हीं चीनियों की वजह से आज अमेरिका इस बीमारी का हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2,000 से ज्यादा मौतें हुई है, जो इस वायरस से एक दिन में मरने वालों की दुनिया में किसी देश में सर्वाधिक संख्या है। कहा जाता है कि पाकिस्तान भी अपने आका चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है। दुनिया के सामने झूठे आंकड़े पेश करके वे वाई वाई लेने के मंसूबे पाले हुए हैं। ऐसे में यह उसके लिए जरूरी हो गया है कि अमेरिका से उसे पाकिस्तानियों को एयरलिफ्ट करना ही पड़ेगा। यह यकीनन उसके लिए जी का जंजाल बनने जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वायरस संक्रमित अमेरिका से लोगों को स्वदेश लाना उसके लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात पहले ही खराब चल रहे हैं। ईरान से वापस आए 20,000 पाकिस्तानियों ने यहां स्थिति बेकाबू कर दी है। 22,000 लोगों के आने के बाद हालात कैसे होंगे, यह सोचकर ही इमरान के पैरों के तले से जमीन खिसक रही है। पाकिस्तान में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 5,056 पर पहुंच चुका है, जिसमें 86 ज्यादा मिशन एउर पर निकले हैं। 600 से ज्यादा इसकी तैयारी में वेंटिलेटर पर है। यानी अमेरिका की तरफ से मिली 7 दिनों की समय सीमा में पाकिस्तान और चीन ने अपने नागरिकों को वापस नहीं लिया तो उन पर अमेरिका का वीजा प्रतिबंध लगना तय है। अमेरिका के इस फैसले से दोनों ही देशों में नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। खासतौर से चतुर चीन, जो खुद के वायरस मुक्त होने के दावे कर रहा है, उसके लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रही है, क्योंकि 4,00,000 से ऊपर ऐसे नागरिकों को स्वदेश लाना जिनमें अधिकतर वायरस इन्फेक्टेड है, उसके सारे आंकड़े गड़बड़ा देंगे। पाकिस्तान का तो पलीता लगना ही तय है। खास बात यह है कि भारत के ऐसे नागरिक अमेरिका में नाम मात्र को बचे हैं। संभवतः अमेरिका भारत से अपने वर्तमान रिश्ते को देखते हुए अवश्य कुछ ना कुछ रियायत देगा, मगर उसके बावजूद मोदी सरकार दुनिया में कहीं भी मौजूद अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए बड़ा अभियान चलाए हुए है। पाकिस्तान के लिए यह दर्शाना कि उसकी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद है, अब उससे उसका पीछा नहीं छूटने वाला है। अमेरिका से मिले 7 दिन यकीनन उसके लिए मौत के समान जुटाने का वक्त है, जिसके अनुमान से केवल इमरान सरकार ही नहीं विमान के क्रू मेंबर भी कांप रहे हैं, क्योंकि इस मुसीबत को पाकिस्तान में उनको ही ढोना है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।